हाय गाइज, वेलकम अगेन चौधरी कम्पटीशन क्लासेस। तो आज से सभी कैंडिडेट को इंतजार था, क्योंकि आपको बताया से 10 सितंबर और 10 सितंबर से आपका रैली की भर्ती प्रारंभ हो चुकी है। आपका देखा जाए तो यूपी के बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कल रिपोर्टिंग करना है, उनको इंतजार था कि रिव्यू दो। तो ऐसा था कि मैंने कोशिश की थी कॉन्टैक्ट करने की, लेकिन अभी मेरा कॉन्टैक्ट हो नहीं पाया था, वो कैंडिडेट बिजी थे। तो अभी मेरी थोड़ी ही बात हो पाई है। कानपुर रिव्यू है, आप यहाँ से देख सकते हैं जिन कैंडिडेट का आज रिपोर्टिंग था, 10 दिसंबर था। तो 3SC जो कानपुर चकेरी यूपी में पड़ता है, तो उसका थोड़ा ही रिव्यू था। जैसे ही पूरा रिव्यू मिल जाएगा, जैसे ही ये फ्री हो जाएंगे, अपना पूरा रिव्यू दे देंगे। आपका GD के टॉपिक क्या था, आपका SRD में क्या हाल रहा, कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट वहाँ पर जाए थे, आप यहाँ से देख सकते हैं। हाय सर, आज मेरी रैली भर्ती थी कानपुर, पास हो गया हूँ। तो सबसे पहले इन भाई को कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने अपने आज जो रैली की भर्ती थी उसको पास कर लिया है। आई थिंक जो इनका जो मेडिकल है सब कुछ बता देंगे। अभी इन्होंने थोड़ा ही रिव्यू शेयर किया था कि किस तरीके का वहाँ प्रोसेस चल रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। पास हो गया हूँ, थैंक्स सर, आपने बहुत हेल्प की। हमारी रिपोर्टिंग 5:30 बजे हो गई थी, आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं कि जो रिपोर्टिंग थी सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे हो गई थी। तो क्या था कि इसके 5 दिन का जिस तरीके से आपका जब जो PDF जारी की गई, जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किए गए हैं, उसमें भी आपका टाइम मेंशन किया गया है। आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर भी टाइम दे दिया गया है, आपकी जो रिपोर्टिंग है किस टाइम होनी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स चेक किया गया, डॉक्यूमेंट्स में आउट हो गई। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स चेक किया कि वहाँ रिपोर्टिंग हो गई, तो उसने कैंडिडेट ने वहाँ देखा जाए तो 100% डाल रही है, उनकी 100% नहीं है, उनको डेफिनेटली वहाँ से परमानेंटली आउट कर दिया गया होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा था कि क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनके मन में एक ही क्वेश्चन है कि रनिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो जब मैंने इनसे पूछी रनिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है, कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट वहाँ प्रेजेंट किया और डॉक्यूमेंट्स में आउट किस तरीके से हुए, डोमिसाइल में या फिर किसी प्रकार का कोई एरर था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर में रिव्यू देता हूँ। तो क्या था, यह बिजी थे, आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सुबह वहाँ प्रेजेंट किया था और इनको शाम हो गई थी। तो जैसे ही अपना फ्री हो जाएंगे अपना रिव्यू शेयर करेंगे, और जैसे ही अपना यह रिव्यू शेयर कर देंगे मैं आपको तुरंत ही पूरा रिव्यू दे दूंगा। तो जो भी कैंडिडेट अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो। और वैसे आप इस यहाँ से भी व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर सकते हो, आप यहाँ से व्हाट्सएप नंबर एक बार लिख भी सकते हैं, 7505824522। क्योंकि जब आप अपना रिव्यू शेयर करोगे और जो आने वाले कैंडिडेट हैं उनको एक हेल्प और एक सजेशन मिल जाएगा, और हो सकता है अपना जो रैली की भर्ती है उसका क्लियर कर जाएं, वो भी अपना मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर लेके आएँ। तो आई थिंक आपके समझ में सब कुछ आ ही गए वो थैंक्स। ऐसे ही आपको अपडेट मिलेगा, जैसे जब फ्री हो जाएंगे मैं तुरंत ही आपके पास दोबारा से लौटूंगा। तो थैंक्स, जय हिंद।